नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बहराइच और खलीलाबाद के बीच बड़ी रेल लाइन को मंजूरी दी। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की भी मंजूरी। मत्स्य पालन के लिए आवश्यक ढांचे के विकास संबंधी कोष बनाने की स्वीकृति। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी संस्थागत सत्यनिष्ठा बनाए रखना पहली शर्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भारत की विकास गति तेज करने के लिए 2018 के सोल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। श्री मोदी सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़े पेशेवरों और उद्योग प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली में संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर। विशाखापत्तनम में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत आज अंतिम राउंड रॉबिन मैच में दक्षिण कोरिया से खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने बहराइच और खलीलाबाद के बीच करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बड़ी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 4 आकांक्षी जिलों से होकर गुजरने वाले इस रेल मार्ग के बनने से बौद्ध पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच और खलीलाबाद के बीच में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को अप्रूवल दिया है और ये 2024-25 तक कंप्लीट होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो इस प्रोजेक्ट की बात है कि उत्तर प्रदेश के 4 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसे आप जानते हैं 115 हैव बीन सिलेक्टेड, उससे गुजरेगा बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर और बहुत जो बुद्धिस्ट सर्किट के भी डिस्ट्रिक्ट हैं उधर से भी गुजरेगा। श्री प्रसाद ने बताया कि आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन का विजिट चार्ज बढ़ाया है। इस फैसले से स्वास्थ्य से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। आशा वर्कर के लिए एक और बड़ी उम्मीद के साथ फैसला किया गया है। आपको मालूम है कि आशा फैसिलिटेटर जो होती हैं, जो विजिट करती हैं महीने में, इनकरेज करती हैं लोगों को हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल के लिए, तो उनका पर चार्ज 250 विजिट रुपये था, उसको बढ़ाकर 300 किया गया है सुपरवाइजरी स्टाफ, और इनसे उनको 5,000 की जगह 6,000 मिलेगा, जो उनके 20 यात्राओं का अनुभव बताया गया है। समिति ने 7,500 करोड़ रुपए की लागत की मछली पालन बुनियादी ढांचा विकास निधि बनाने की भी मंजूरी दी है। इससे देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में चल रहे कार्यों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित करने की भी मंजूरी दी। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। बेनामी लेन देन रोकथाम अधिनियम के तहत फैसला लेने वाले और अपीलीय प्राधिकरण बनाने को भी स्वीकृति दी गई है। श्री प्रसाद ने बताया कि देश के 4 शहरों में जन भागीदारी के सिद्धांत के आधार पर भारतीय कौशल विकास संस्थान बनाए जाएंगे। 6 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में निदेशक के पद के सृजन की भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने कहा है कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी संस्थागत सत्यनिष्ठा बनाए रखना पहली शर्त है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई के 2 शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगना असाधारण स्थिति है। श्री जेटली ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करने और सीबीआई की संस्थागत ईमानदारी बनाए रखने के लिए दोनों अधिकारी अंतरिम उपाय के तौर पर अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश और सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य सीबीआई की संस्थागत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता बहाल करना है। श्री जेटली ने कहा, जैसे इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सीवीसी के पास है, अन्य विषयों का सुपरिटेंडेंस का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है, इट इज ओनली टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द सीवीसी।
श्री जेटली ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कल अपनी बैठक में कहा था कि श्री आलोक वर्मा या श्री राकेश अस्थाना या उनके निरीक्षण में कोई अन्य एजेंसी उनके खिलाफ आरोपों की जांच नहीं कर सकती है। सोल शांति पुरस्कार समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2018 के सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में समर्पण, वैश्विक आर्थिक वृद्धि की मजबूती के लिए किए गए प्रयासों और भारत में विकास को गति देने के लिए श्री मोदी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार समिति ने माना है कि भारत और वैश्विक आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने और अमीरों तथा गरीबों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने का श्रेय श्री मोदी को ही जाता है। समिति ने इस बात की भी सराहना की कि श्री मोदी ने शासन को साफ सुथरा बनाने के लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और नोटबंदी जैसे कदम उठाए। समिति ने वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के लिए विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का श्रेय भी श्री मोदी को दिया है। दक्षिण कोरिया का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले श्री मोदी 14वें व्यक्ति हैं। यह पुरस्कार 1990 से दिया जा रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार देने और भारत के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए दक्षिण कोरिया का आभार प्रकट किया है। उन्होंने पुरस्कार स्वीकार कर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsoneir.nrc.in पर भी लॉग कर सकते हैं। जो भी कह लो भैया, तुम्हारा मोहल्ला है बड़ा साफ सुथरा। अरे ऐसे थोड़ी साफ सुथरा बन गया, हमने बनाया है। वो कैसे? सरकार के आदेश अनुसार अगर कोई RWS 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करता है तो उसे गीले कचरे से खाद बनाने का प्रावधान करना चाहिए और सूखे कचरे को तो पुनर्वृत्ति यानी रिसाइकिलिंग के लिए भेजना चाहिए। तो हमने भी अपने RWS के साथ मिलकर यही किया और नतीजा तुम्हारे सामने ही है। वाह भैया, अब तो हम भी ऐसा ही करेंगे और अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे और इस कचरे से बनी खाद का प्रयोग करके इसे हरा भरा बनाएंगे। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में देशभर के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़े पेशेवरों और उद्योग प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे। देश के लगभग 100 स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अनेक विशेषज्ञों के इस कार्यक्रम में भागीदारी की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप का शुभारंभ करेंगे। समाज के लिए आप विषय पर आधारित इस पोर्टल से सामाजिक कार्यों तथा समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान करने वाले IT व्यवसायियों और संगठनों को एक मंच पर लाया जा सकेगा। इस पोर्टल से समाज के कमजोर वर्गों को विशेषकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे समाज कल्याण के काम में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की भागीदारी बढ़ने की भी संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से दिवाकर। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वे मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित एशिया प्रशांत कृषि सूचना प्रौद्योगिकी संघ और कृषि में कंप्यूटर के योगदान पर विश्व कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री नायडू ने कहा कि देश के किसान डिजिटल स्मार्ट फार्मिंग के फायदों को जान चुके हैं। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बाधाएं दूर करने के लिए संबंधित पक्षों से सक्रिय कदम उठाने और परियोजनाओं के अमल में तेजी लाने को कहा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। श्री गडकरी ने कहा कि तेजी से काम हो रहा है और नमामि गंगे कार्यक्रम काफी सफल रहेगा। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना का युवाओं को काफी लाभ मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को छोटी छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये योजना गैर संगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के दायरे में लाने से जुड़ी है ताकि हर महीने थोड़ा थोड़ा अंशदान करके वे अपने को सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल रहे लाभ पर पेश है हमारे शिमला संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट।
वृद्धावस्था के समय आर्थिक तंगी के समय पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए युवा वर्ग बेहद उत्साहित हैं। सिरमौर जिले में नाहन विकास खंड के तालो गांव के मोहन सिंह और जावल का बाग की दीक्षा कश्यप इसे बुढ़ापा सुरक्षित करने में मददगार मानते हैं। मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। मैंने अटल पेंशन योजना के तहत अपना खाता खुलवाया है जिसका प्रीमियम मैं 128 रुपए पर महीने दे रहा हूँ और एक बहुत अच्छी योजना है जिससे मुझे इससे पेंशन मिलेगी। मैं दीक्षा कश्यप नाहन विकास खंड के जावल बाग की रहने वाली हूँ। मुझे चंद रोज पहले ही अटल सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में पता चला। इसके बाद मैंने बैंक जाकर इस योजना का लाभ उठाया है। इस योजना से मुझे 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। निजी क्षेत्र में नौकरी से मिलने वाले वेतन से ही मैं अपना प्रीमियम चुका रही हूँ। इस योजना के तहत लोगों को अधिक संख्या में जोड़ने में बैंक भी अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं वरुण कुमार, सीनियर मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई स्कीम अटल पेंशन योजना में निर्धारित जितने लक्ष्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो अचीव कर लिया है और अभी भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। योजना के तहत उपभोक्ता को 60 वर्ष की उम्र के बाद ही पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी और उन्हें 20 साल तक न्यूनतम भुगतान करना पड़ेगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चली सेहत की हवा, चली चली मुक्त होगा इलाज मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा बलाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-4555 या 1800-111-565 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के नौगाम इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने का सुराग मिलने पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई थी, तभी आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि तलाशी की कार्रवाई पूरी हो गई है और आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी जिसकी बना पर ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया गया पिछली रात को, और रात को ही जो सस्पेक्टेड हाउस है उसका कॉर्डन वगैरह हो गया था और अर्ली मॉर्निंग जो काउंटर शुरू हुआ। ऑपरेशन खत्म हो चुका है, इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी तक जो उनकी पहचान आ रही है उसके मुताबिक ये दोनों ही लोकल मिलिटेंट हैं। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों की रचनात्मक भागीदारी के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं। आयोग ने सामान्य फोटो मतदाता पर्ची के अलावा दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि वाली फोटो मतदाता पर्ची जारी करने के आदेश दिए हैं। वेस्टइंडीज के साथ 5 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के आज दूसरे मैच में विशाखापट्टनम में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओमान के मस्कट में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत आज 5वें और अंतिम राउंड रॉबिन मैच में दक्षिण कोरिया से खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:40 पर शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने बहराइच और खलीलाबाद के बीच बड़ी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। मत्स्य पालन के लिए आवश्यक ढांचे के विकास संबंधी कोष बनाने की स्वीकृति दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी संस्थागत सत्यनिष्ठा बनाए रखना पहली शर्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भारत की विकास गति तेज करने के लिए 2018 के सोल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है।
श्री मोदी सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़े पेशेवरों तथा उद्योग प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली में संवाद करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए हैं। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत आज अंतिम राउंड रॉबिन मैच में दक्षिण कोरिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।